आप देख रहे हैं ई टीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। किसानों का आंदोलन जारी, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तनाव, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। किसानों ने गोली चलाने का किया दावा, सरकार ने अगले दौर की बातचीत का दिया ऑफर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव, दोनों पार्टियों ने दी सहमति। सूत्रों के अनुसार 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आयकर विभाग ने 115 करोड़ रुपए के कुल बकाया में से कांग्रेस के खाते से 65 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने वसूली के खिलाफ ITAT में शिकायत की है। यूनान के पीएम भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। दोनों देशों के पीएम के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें भारत और यूनान ने व्यापार, रक्षा, उत्पादन समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत और चीन के बीच 21वें दौर की सैन्य वार्ता खत्म। दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में LAC के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सद्भाव को बनाए रखने पर सहमति जताई है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में तनाव जारी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर मामले को लेकर के राजनीति करने का लगाया आरोप। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद बोले, ममता सरकार सच्चाई छिपाना चाहती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच गठबंधन सरकार बनाने पर हुआ समझौता। PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ एक बार फिर से प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। वहीं PPP नेता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बनेंगे। ICC की ओर से जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत के खिलाड़ियों का दबदबा कायम। टॉप 5 में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल। यशस्वी जायसवाल 15वें नंबर के टेस्ट बैटर बने। शेयर बाजार की तेजी थमी। सेंसेक्स 434 अंक टूटा। निफ्टी 22,100 के नीचे। जी का शेयर 14% गिरा। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।